हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम रेनू एंड वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट एंड क्लासेस विद रेनू। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज सेकंड और थर्ड की थी और आज हम आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको आगे की शॉर्ट फॉर्म्स बताऊंगी। फर्स्ट है हमारी शॉर्ट फॉर्म कम। कम के लिए हमने के का स्ट्रोक यूज करना है, लाइट ऑन द लाइन। नेक्स्ट है गिव और गिवन। गिव और गिवन दोनों के लिए हमने गे का स्ट्रोक यूज करना है ऑन द लाइन। गे को हम डार्क बनाएंगे और के हमारा लाइट था। गिव और गिवन, इसको हम इनमें हम डिफरेंस के लिए गिव को ऐसे और गिवन को हम इस तरह भी बना सकते हैं। गे का स्ट्रोक बना के हम इसमें एक इस तरह से ऐसे एक नीचे हुक लगा सकते हैं, तो इस तरह से हम गिव और गिवन में डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिम। हिम के लिए हम एम का स्ट्रोक यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट इज थिंग। थिंग में हम एनजी का स्ट्रोक बनाएंगे इस तरह से, डार्क। नेक्स्ट लॉर्ड। लॉर्ड के लिए हमने क्या करना है, एल का स्ट्रोक बनाना है। एंड लास्ट इज वी। वी के लिए हम वे का स्ट्रोक बनाएंगे। ये सारी हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं। विल जब हमारा फ्रेजेस में आएगा तो उसके लिए हमने ओनली एल का स्ट्रोक यूज करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये विल है, अगर ये हमारा फ्रेज में आता है, जैसे इट विल, हमें लिखना है इट विल, तो हम कैसे लिखेंगे? इट लिखा हमने शॉर्ट फॉर्म, एंड विल के लिए हमें सिर्फ एल का स्ट्रोक यूज करना है। इट विल विच विल, विच का स्ट्रोक लिखेंगे ये विच, एंड विल के लिए एल का स्ट्रोक। या हमें लिखना है इट विल हैव, तो इट विल हैव। या दे विल बी, दे विल बी कैसे लिखेंगे, ये हमने लिखा दे विल बी, द के साथ हम वॉवल लगा देंगे तो बन गया दे, दे विल बी। इस तरह विल को हमने फ्रेजेस, विल जब फ्रेजेस में आएगा तो एल यूज करना है, बट जब सिंगल आपका एल का स्ट्रोक होगा तब हम इसे विल नहीं पढ़ेंगे, तब हमने इसे लॉर्ड ही पढ़ना है, क्योंकि ये लॉर्ड की शॉर्ट फॉर्म है। विल हम सिर्फ फ्रेजेस में यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सेंटेंसेज हैं। फर्स्ट सेंटेंस है दे विल कम टू द गेम टूडे। इसके हम आउटलाइन किस तरह से बनाएंगे, दे विल, दे और विल। अब हमने दे के साथ विल के लिए एल का स्ट्रोक यूज करा है। कम, कम हमारी शॉर्ट फॉर्म है, तो लाइट लिखेंगे इसको हम टू द, ये टू और द की टिक हो गई। गेम, ग में एक का वॉवल हो गया, गेम टुडे, टू डे। नेक्स्ट इज दे थिंक दे विल बी डिलेड। दे थिंक, दे थिंक, दे विल बी, एक साथ लिखेंगे इसको हम दे विल बी को, दे विल बी डिलेड, डे ले ड। नेक्स्ट शो देम द, शो देम द वे टू द लेक। हमारा शो देम द, देम हमारी शॉर्ट फॉर्म है, देम द वे टू द लेक। नेक्स्ट हु विल कम टू द बोट, हु विल, ये हो गया हमारा हु, इसी के साथ हमने विल को बना देना है, तो ये हमारा बन गया हु विल कम टू द बोट। फोर्थ सेंटेंस हो गए हमारे।
नेक्स्ट है डू दे थिंक वी शैल बैक देम टू कम. इसके हम अब आउटलाइन बनाएंगे. डू शॉर्ट फॉर्म है. दे थिंक इसे हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे. वी शैल बैग बी और के बैग देम टू कम इसको हमने टू के साथ ज्वाइन कर दिया. ठीक से मैं लिख देती हूँ थोड़ा. ये टू हो गया. कम को इसी के साथ हमने ज्वाइन कर दिया. नेक्स्ट है वी मे चेंज द डेट टू द 10th. वी मे ये लिखा हमने वी. अगर मे को हम इस तरह से बनाएंगे और अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हम इसको वी के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से. ये हमने लिखा वी. एम को हम यहीं से बना सकते हैं ऐसे जिस तरह से मैंने आपको ज्वाइनिंग में बताया था. वी मे चेंज द जे एन और जे का स्ट्रोक आ जाएगा और द का हमने टिक लगा दिया. चेंज द डेट टू द 10th. अब 10th में टी एन और था तीन स्ट्रोक हैं हमारे. टी एन और ये था. टी के बाद वावल आ रहा लाइट यहाँ लग जाएगा. नेक्स्ट डू दे नो द डेट. डू दे नो द एन के बाद ओ का वावल नो और ये दा की टिक आ गई नीचे डेट. इस तरह से ये हमारी है 4th एक्सरसाइज. अब हम स्टार्ट करते हैं 5th एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 5th. इसका फर्स्ट सेंटेंस है हमारा हैव वी पेड द डेट. इसे हम किस तरह से लिखेंगे शॉर्ट हैंड में. हैव वी. हैव हमारी शॉर्ट फॉर्म है हैव. यहीं से हम वी को लिखेंगे इस तरह से. हैव वी पेड द डेट. नेक्स्ट वी हैव गिवन हिम द चेक टू मेल टू देम टुडे. वी हैव को लिखेंगे हम ये वी. अब यहीं से हम हैव लिख देंगे साथ में ज्वाइन करेंगे. गिवन आप चाहें तो इसमें ऐसे हुक लगा सकते हैं. वी हैव गिवन हिम. हिम हमारी शॉर्ट फॉर्म है द चेक. चेक टू मेल टू देम. ये टू यहीं से हमने देम को बना दिया इस तरह से. टुडे. नेक्स्ट है शैल वी टेक द मेल टू द पोर्ट. शैल वी ये लिखा हमने शैल. शॉर्ट फॉर्म है वी. टेक द का टिक लग जाएगा. मेल टू द बोट. नेक्स्ट वी शैल एम टू चेंज द नेम. वी शैल को इसके साथ ज्वाइन कर दिया. वी शैल एम. एम से पहले ए आ रहा है तो ऊपर हम डॉट लगा देंगे हैवी डॉट. एम टू चेंज द की टिक एंड नेम. एन और एम का स्ट्रोक. एन के बाद वावल है यहाँ जाएगा. नेक्स्ट है वी नो दे विल कम टुडे. वी नो ये वी. अगर नो को हम अलग से लिखेंगे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे ऑन द लाइन वी नो. और अगर हम इसको साथ में ज्वाइन करके लिखेंगे तो किस तरह से लिखा जाएगा. ये वी के साथ ही हम ऐसे नो को इस तरह से लिख सकते हैं ज्वाइनिंग में. वी नो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं इसे. वी नो दे विल कम टू टुडे. ओके. नेक्स्ट है आपका 6th सेंटेंस. दे विल टेक द लंच टू द लेक. दे विल टेक द लंच टू द लेक. नेक्स्ट है जो. जे का स्ट्रोक और ओ का डैश लगाएंगे. जो लेट द एल और डी लाइट डॉट लगेगा. लेट द के लिए टिक लगा देंगे. लेट द वे टू द
लेक बट दे, ये बट और ये बट के नीचे ही हम दे को लिख देंगे. से इट वॉज, इट वॉज दोनों हमारी शॉर्ट फॉर्म है ये इट और वॉज, टू लो, टू टी डबल ओ टू डार्क बनाएंगे और लो यहीं से ही हम ज्वाइन कर देंगे इसको, लो टू बेद. नेक्स्ट है वॉज द मेल डिलेड, वॉज द मेल डिलेड. नेक्स्ट इट विल बी गिवन टू हिम टुडे, इट विल बी को साथ में लिखेंगे हम ज्वाइन करके, इट विल बी गिवन टू हिम टुडे. तो ये है हमारी एक्सरसाइज 5. अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 6 करेंगे. थैंक यू.